अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लड़का इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये ले, ठीक है। सुन अनमोल, हमें पता करना होगा कि ये लड़का कौन है, क्यों आया है, तभी क्लियर होगा क्या ये तेरी शादी के लिए आया या फिर किसी और मामले में। हाँ, कॉल लगा ले। हेलो, आया ना? हाँ। संभल के संभल के। लड़का तो यही लग रहा है। अब पता चलेगा बच्चू कि तुम हो कौन और हमारे इलाके कर क्या रहे हो। पापा, यहाँ पर तो बहुत बोरिंग है। पापा? थोड़ी देर बेटा, उसके बाद हम क्या कहेंगे? Yes. ये लड़का थोड़ा ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा। 25 से एक दिन ऊपर नहीं ना है। लीला ने हमें कैसा रिश्ता बता दिया? ये लड़का तो बहुत ही बड़ा है, एक बिटिया भी है। कहीं उदय और अजय को पता चल गया कि हमने उनकी लाडली का ऐसा रिश्ता फिक्स किया है, वो तो दोनों हम ही से ना रिश्ता तोड़ लें। वो लीला है ना, मैंने उससे बात की थी। वो हमारे रमन के लिए ना बहुत ही प्यारी। बबुआ, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। ये बता, कौनो हम गलत समय पे तो नहीं आ गए? अरे कैसी बात कर रही हैं जीजी आप, बचपन से देख रहे हैं आपको। आप जहां होती हैं वहां समय कभी गलत होता है क्या? अरे सुनो, शक्कर तनिक कम ही रखना, जानती हो ना, ज्यादा मीठा हमें पसंद नहीं। जी जानती जी जी। जी एक ही बात याद रखना। क्या? तुम्हारा काम खाना बनाने और चाय पिलाने तक का ही है। रसोई की जिम्मेवारी कोनो कम है क्या जो और उठाने चले? खबर तो तुम्हें होगी नहीं कि तुम्हारी पत्नी बड़ा बड़ा फैसला ले रही है। क्या बोल रही हो चिट्ठी आप? इसने कौन सा फैसला ले लिया? रमन के रिश्ते की बात चला रही है और देखो हमसे पूछा तक नहीं। कौनो हम तुम्हारी खुशी में कुंडी लगाकर बैठ जाते? नहीं नहीं चिच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस बताने ही वाली थी, लड़की देखने आपके बिना थोड़ी ना जाएंगे चिच्ची। कमाल बात करती तू, इतना बड़ा काम करने जा रही थी और घर के सबसे बड़े से पूछा तक नहीं तुमने। तुम्हें पता है ना, इस घर के बर्तन तक जिज्जी की मर्जी से आते हैं और तुम चली थी घर की बहू ढूंढने। देखो, एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। जी आप ही लड़की फाइनल करेंगी इस घर में, आपसे पूछे बिना कोई फैसला लिया गया है आज तक, जो अब होगा। सुनहरी जी, आगे से ध्यान रखिएगा, इस घर का कोई भी फैसला जिज्जी की मर्जी के बिना नहीं लेंगी आप। उनको बोलो फुर्ती से काम करे, दो गाड़ी और आने वाली है।
बर्तन चाहिए। ये चाहिए? ले बेटा। नहीं बेटा, तुम्हारी पेंटिंग अधूरी है ना, चलो आप वहां बैठ कर खाओ। तो आप हैं रजत विजय चौहान, बैठिए। संदीप ने बताया था आपके बारे में। तो आप लोग इस डील के लिए तैयार? देखिए रजत जी, हमारा एक उसूल है, जो चीज हमें बहुत पसंद होती है उसे हम जिगर के पास संभाल के रखते हैं। जिस जमीन का सौदा करने के लिए आप यहाँ आए हैं वो संभव नहीं है। सुना, जमीन तो काफी दिनों से खाली पड़ी, तो फिर सौदा करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि वो जमीन बहुत खास है हमारे लिए, आपको भी खाली हाथ ही वापस जाना होगा। देखिए, जो जमीन आपके लिए बहुत खास है उसकी खास कीमत भी दूंगा मैं। ये रहा ब्लैंक चेक, आप जो चाहे अमाउंट भर सकते हैं। ये पैसों की धौंस किसी और को दिखाइएगा, चेक वापस रख लीजिए। धौंस नहीं है, ऑफर है। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन होने के नाते मेरा एक उसूल है, फायदा, मेरा भी और सामने वाले का भी, तभी जाकर रिश्ते बनते भी हैं और चलते भी। तुम हमें सिखाओगे बिजनेस करने का सही तरीका? कोई रिश्ता नहीं बनाना हमें तुम्हारे साथ, निकलो यहां से। ओए काजू, शुक्र है ये हमारे रिश्ते के लिए नहीं आया, वरना हमें तो मिर्गी का दौरा पड़ने वाला था कसम से। पर काजू, अकड़ तो देख इसकी, हमें तो लगता है वही खाकर आया था ये। अनमोल, सिर्फ सुन, बोल मत। ठीक है ठीक है ठीक है, माफ कर दे माफ कर दे। दिमाग खराब हो गया है का तुम्हार? एक बच्ची के बाप का फोटो भेजियो रिश्ते के लिए। अनमोल के भाइयों को जाना तो गोली से उड़ा देंगे। यशोदा जी रुकिए ना एक मिनट, ऐसे कैसे गलत फोटो भेज देंगे, हम तो देख के ही भेजे। अरे दया, गड़बड़ हो गई, हम ना गलती से आपको दूसरी तस्वीर भेज दी। अरे अभी फोन रखिए, हम आपको अभी रमन की तस्वीर भेजते हैं। भेजो जल्दी। हाँ भेज रहे भेज रहे। मुझे लगा था कि मैं समझदार लोगों के पास आया हूँ, पर जरूरी नहीं ताकत के साथ तेज दिमाग भी। मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहूंगा कि छोटा नहीं बड़ा सोचना सीखिए। अगर ये डील होती है तो इसमें आपके साथ साथ आपके गांव वालों का भी बहुत फायदा है, उन्हें रोजगार मिलेगा, आपकी जमीनों के भाव बढ़ेंगे और ए हीरो, डायलॉग बाजी बंद कर अपनी। शेर की गुफा में आकर गीदड़ों की बोली नहीं बोलते। कह दिया ना एक बार, वो जमीन बिकाऊ नहीं है, बात खत्म। मेरी बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई। और चौधरी जी आप ही बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज जो बिकाऊ नहीं? ए बच्ची साथ में है इसलिए गन निकाली है, तानी नहीं। अपना तमाशा बंद कर, निकल यहाँ से। मेरी पीठ। अरे काजू तो रुक, तो मजा तो लेने दे, बहुत ज्यादा जबान लड़ा था ना हमारे भाइयों से, अब देखना आया ना कैसे ऊंट पहाड़ के पीछे। इस बंदूक से आपके गांव वाले डरते, मैं नहीं। इनफैक्ट अब तो मेरा इरादा और पक्का हो गया, क्योंकि जो जमीन आपके दिल के इतने पास है वो मेरे लिए भी खास है, इसलिए उसे तो मैं लेकर आऊंगा। चुपचाप शांति से यहां से निकल जाओ और एक बात याद रखना, वो जमीन तुम्हारे नसीब के दायरे से बहुत दूर है, समझ में आई बात? निकलो।
You know I love challenges. जल्दी ही मुलाकात होगी जमीन के कागजों के साथ। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।